तो हर दिन की तरह मैं अपना सारा काम ख़त्म करके मैं सो गई। एंड आज मैंने कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया एंड नेक्स्ट डे मेरे साथ बहुत कुछ अजीब होने वाला था। अजीब नहीं, मतलब थोड़ा टाइम के लिए तो थोड़ा मेरा फ़ोन लैग कर रहा था। पता नहीं ये मतलब रिकॉर्डिंग मैंने जब ऑन किया ना तो रिकॉर्डिंग ऑन करने के टाइम ही लैग होने लगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। पर किसी तरह डोर को ओपन करके निकल गई। फिर मैंने डोर को क्लोज़ किया एंड उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अपने ऑफिस चलते हैं, जाके कुछ पैसे कमाए जाए। उसके बाद मैं अपने मतलब ट्रैवल करना चाहती थी, बस पकड़ना चाहती थी, पर मुझे पता चला कि मेरे पास पैसे नहीं है, जीरो। मैंने सारे खर्च कर दिए, अब मैं क्या करूँ। तो ऊपर से मेरा लेग भी कर रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैं किसी तरह मैं मतलब जाने की कोशिश की। और सच बताऊँ तो बहुत बहुत मुश्किल हुई, पर हम कहाँ हार मानने वाले थे, हम चले और चलते ही गए। फिर बहुत मुश्किल के बाद मैं अपने ऑफिस में पहुँच गई। एंड ऑफिस में पहुँचने के बाद मैंने जब अपने गाड़ी होकर देखा तो हाँ, दिल को अच्छा लगा। पर मेरा लैग हो रहा था, फ़ोन मतलब तो स्क्रीन काम ही नहीं कर रहा था। यार ये एंट्रेंस था, बहुत क्यूट लग रहा था, देखो ना, मतलब दोनों सब सामने, दोनों के वो सामने मतलब जो शब्द लेते, तो मैंने एक स्क्रीन शॉट ले लिया एंड वाह ब्यूटीफुल। तो उसके बाद मैं अपने ऑफिस में जाके बैठ गई और मैंने कारियों को फिर से देखा। उसके बाद ऑफिस में जाके बैठने के बाद तो मैंने सोचा कि कारियों को सेल किया जाए, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से सबको सेल पे लगाने रेडी कर दी। तो इसी तरह करते करते मैंने अपने सारे गाड़ी को मैंने सेल पे लगा लिया था। एंड उसके बाद मैंने अपना कंप्यूटर मतलब लैपटॉप बंद किया। उसके बाद बंद करके मैंने अपने ऑफिस मतलब फिर से कर रहा था वही। उसके बाद किसी तरह मैं बाहर गई, मैंने सोचा गाड़ियों की वजह से हो रही है, क्योंकि ज़्यादा गाड़ी थी मेरे पास तो उस कारण लेग बहुत हो रही थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक एक करके गाड़ियों को भगाते हैं और पैसे कमाते हैं। तो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया सबसे बात करना एंड पहले आंटी से बात की, इनकी मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी, ऐसे चोर चोर दिख रही थी, पर मैंने इनको इग्नोर किया। ये तो पूरे डरावनी दिख रही थी रात में निकल, आंटी प्लीज़ रात में मत निकल लीजिएगा, अगर रात में आप निकलोगी ना डर जाएंगे, क्योंकि आप बहुत सफ़ेद हो, बीच में थोड़ा काला है मतलब मुँह के। तो मैंने एक गाड़ी को भगा दिया कि जाओ यार, बहुत लेट करा था। उसके बाद दूसरे गाड़ी को मैंने उनसे पूछा कि कितने में दे रहे, तो अच्छी रेट मिल रही थी, मैंने थोड़ा बार्गेनिंग करा सोचा। उस वक्त और एक लेडी आ गई थी, तो मैंने सोचा कि उससे भी बात किया जाए। तो मैंने दूसरी लेडी से बात की एंड दूसरी लेडी से बात करने के बाद मैंने थोड़ा बार्गेनिंग किया। उसके बाद वो भी चली गई, मैंने बोला कि जाओ भागो। उसके बाद मैंने अपने जो सुपड़ा कार था तो उसके लिए आया था, तो मैंने बोला सुपड़ा 1 लाख की दे रही था मैं। और सच में अगर मतलब हमारे टाइम का भी अभी जो टाइम है अभी इसी टाइम अगर सुपड़ा 1 लाख का भी दे देता तो भाई मैं ले लेती, क्या है मतलब कुछ भी ना, इतने कम दाम में बिक रहा था ये गेम है। तो उसके बाद ऐसे करते करते मैंने सारी गाड़ी को बेच दी एंड लास्ट मेरे पास कितने पैसे हो गए मैं दिखाती हूँ। तो जब मैंने कुछ गाड़ी सेल कर दी तो मेरा लेग करना कम हो गया था, तो मुझे पता चला कि हाँ गाड़ियों के कारण। तो बीच में मैं सोने भी गई थी क्योंकि नाइट हो गई थी। उसके बाद मैंने फिर से अपने गाड़ियों को सेल करने शुरू कर दिया। तो मैंने देखते देखते 38
लेग के आसपास मैंने कर लिया था, और मैंने बहुत सारी गाड़ियों को मतलब सेल भी कर लिया था। उसके बाद मेरा शोरूम खाली खाली लगने लगा और रात भी हो गई। उसके बाद कुछ कस्टमर थे तो मैंने उनसे भी बात किया एंड मुझे लगा कि बेच रहे थे क्योंकि क्या करेंगे रख के, तो मैंने बोला टट्टा भाई भाई मेरे कार को। उसके बाद एक कार और रह गई थी, एक मेरा पोर्शे रह गया था, तो मैंने पोर्शे को भी बेच दिया थोड़ा बार्गेनिंग करके। तो मैंने धीरे धीरे अपने सारी गाड़ी को सेल कर दिया। मैं बहुत खुश थी, मेरा लेग भी ख़त्म हो गया था, सबसे मेन प्रॉब्लम मेरा यही था जो स्क्रीन रह गया। उसके बाद मैंने देखा कि ये दोनों शेवलेट बहुत अच्छे दिख रहे थे, तो मैंने सोचा इनको ना बेचूं। फिर मैंने सोचा कि इनको मतलब सेल से दूर कर दूँ, फिर लगा कि यार रन देते हैं ना, लोग देखेंगे क्या सेल हो रही, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ड्रिंक करते हैं इतने पैसे कमाने के खुशी में। तो मैंने ड्रिंक किया, मैंने अपने शेवलेट को थोड़ा देखा, बहुत प्यारे दिख रहे थे, सच्ची में बहुत प्यारे दिख रहे थे। और गेम में एक्चुअली बता शेवलेट से मतलब शेवलेट के जो प्यारी है ना, मतलब आई मीन उसके अंदर बैठने के बाद बहुत प्यारी दिखती है शेवलेट। तो मैंने उनका शेवलेट की फ़ोटो उठाया, फिर मैंने अपने मतलब मेरे नाम का शोरूम का नाम का फ़ोटो उठाया। मैंने उसके बाद मुझे लगा मैं घर जाके सो जाती हूँ इतना ड्रिंक करके कौन, तो मैं चुपचाप नेबरहुड चली गई अपने घर में। तो मेरा सर फिर घूम रहा था, तो मुझे लगा एक थोड़ा सा चांदनी को देख लेते। उसके बाद मैंने दरवाज़ा बंद किया अपने घर के, फिर अपने रूम का भी, फिर मैंने विंडो से देखने की कोशिश करी। मैं मतलब दारू पीने के बाद लोग जैसे करते हैं ना ऐसे कर रही थी, किसी तरह मैं अपने बेड में सोई। एंड उसके बाद दिन हो रहा था, दिन में भी मेरा मतलब सर घूम रहा था। तो धीरे धीरे मैं मतलब गई और ऑफिस पहुंची। उसके बाद मेरा थोड़ा सा दिमाग शांत हुआ, ठीक हुआ कि भाई ड्रिंक इतना नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैंने अपने कचरे को मतलब मेरे शोरूम में जितने भी कचरे थे, तो कचरे को मैंने डस्टबिन में फेंक दिया क्योंकि कचरा है शोरूम गंदा लगेगा। उसके बाद एक बंदा शेवलेट लेने आया, अरे शेवलेट क्यों ले रहे भाई, कितना प्यारा गा रहे, लेके जा अच्छे से आराम से लेके जाओ। तो मैंने इस बंदे को शोरूम मतलब शोरूम बोल रही हूँ शेवलेट भेज दिया। तो सारी गाड़ियाँ मैक्सिमम मैंने बेच दिया, इलाज था ये भी मैंने बेच दिया एंड शोरूम खाली दिख रहा था। तो मेरे दिमाग में आया कि यार चलो मस्टैंग को भी बेच देते हैं, क्यों रखे, तो देखते हैं मस्टैंग कितने में जाता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा डैमेज है, मैंने ठोक दिया था तो उसको रिपेयर कर देते हैं। तो मैं गई रिपेयर शॉप में, मैंने यहाँ पे भी मतलब मिस्टेक कर दिया, मैंने सोचा कि यार ठीक है रिपेयर वाले इसमें डाल देते अच्छे से डाल देगा। तो उसको मैंने रिपेयर किया, बस थोड़ा सा डैमेज था। फिर मुझे बाहर में कुछ एक आदमी दिखा था, तो मैंने उसको पैसे दिया 500 ले रहा था मेरे से, तो मैंने बोला ठीक है ले ले। तो मैंने उसका एक फ़ोटो भी क्लिक कर दिया मेमोरी के लिए। उसके बाद मैं फिर से गई अपने गाड़ी हो गया था, कार पे बैठी एंड मैं निकल गई अपने शोरूम के, मुझे ये बेचना था, देखते हैं कितने में निकलता है हमारा ये निसान GT-R। तो मैंने अपने निसान GT-R को फाइनली सोच लिया कि मैं बेच दूंगी। उसके बाद मैंने जब उसको सामने मतलब तीन करके रखा ना, बहुत प्यारे दिख रहे थे सच में, दो साइड में शेवलेट एंड इसमें निसान, बहुत प्यारे दिख रहे थे सच में। मैंने एक स्क्रीनशॉट भी निकाल लिया था थंबनेल के लिए। उसके बाद मैंने अपने गाड़ी का मतलब निसान GT-R का प्राइस लग लिया 10 lakhs, तो देखते कितने में जाता है। तो
उस टाइम तो मैं मंकी जैसे उछल उछल कूद किया, तो उसके बाद मुझे लगा कि यार बेच ही देते हैं सारे गाड़ी को। उसके बाद मैंने इन औरत से, मैंने इन आंटी से पूछा कितने में लोगे इनका रेट। मैं पूछते पूछते ही चली गई मोहतरमा। उसके बाद दूसरे मोहतरमा से मैंने पूछा, वो अच्छी रेट बता रही थी तो मैंने उनको बेच दिया। उससे करते करते मेरे दोनों शेवलेट चले गए, मेरे प्यारे शेवलेट चले गए जो आन बान शान थे मेरे शोरूम के, चला गया, ये भी चला गया। उसके बाद बस बच्चा मेरा निशान, मैं निशान के लिए वेट कर रही, ये बंदा कितना का बता रहा था, ये मतलब क्या क्या बता रहा था रेट इतना कम, ये तो उससे भी कम बता रहा था। मैंने उसको बोला भागो भाई, पहली फुर्सत में भागो। तो मैंने बोला कि यार आ जाओ अंकल जी आपसे बात करते हैं। तो मैं रेट डाल ही नहीं थी, उसको मैंने देखा कि और एक बंदा आ रहा है, तो मैंने सोचा एक बार देखने में क्या हर्ज है। तो इसको मैंने पूछा, ये दोनों जुड़वा भाई है, मुझे तो लग रहा है जुड़वा भाई है, तो ये उससे भी ज़्यादा दे रहा था। होता है ना कि भाई मैं तेरे से बेस्ट हूँ, मैं तेरे से बेस्ट हूँ, तो ये वाला बेस्ट था। तो मैंने बेस्ट को बेस्ट भेज ही दिया, मेरा निशान गया। और भी कस्टमर्स आ रहे थे, तो मैंने देखा नहीं, मैंने बोला जाओ। उसके कारण मेरे शोरूम का शान चला गया और मेरा शोरूम पूरा खाली हो गया। उसके बाद मैंने अपने बिल्स को पे किया और गेम को इधर ही एंड कर दिया। खलाश।